हम कांग्रेस को इस बार खाता नहीं खोलने देंगे, लेकिन एक भुलावे, एक छलावे, एक धोखे से जिस तरह से राजस्थान की सरकार कांग्रेस पार्टी ने हथियाई, आज 4 साल बीत जाने के बाद में राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। भारत की राजनीति के चाणक्य आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मैं इस पुरुषार्थ की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, लेकिन हमारी यह तपस्या एक लक्ष्य को लेकर की जा रही तपस्या है। हमारा यह जो एक संकल्प है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही थी, राजस्थान जिस तरह से देश के हर एक पैमाने पर देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आने वाले राज्यों में से एक था, लेकिन एक भुलावे, एक छलावे, एक धोखे से जिस तरह से राजस्थान की सरकार कांग्रेस पार्टी ने हथियाई, केवल 0.5% मत के अंतर से जिस तरह से राजस्थान की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी काबिज हुई, आज 4 साल बीत जाने के बाद में राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। राजस्थान के किसान ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। राजस्थान की माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। राजस्थान के युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले प्रदेश के नुमाइंदे होते हैं, और इन सब कष्टों से मुक्ति दिलाने का दायित्व राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते, विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी होने के नाते हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व है, और हम सब उसके लिए जितना भी कष्ट भी सहन करना पड़े, हम सब संकल्प के साथ में आज यहां से जाएंगे कि अगले 1 साल तक हम निरंतर साधना रहते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके एक नया इतिहास इस बार बनाए। मित्रों, 2018 में जिस प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से राजस्थान में विकास के नए आयाम लिखे थे, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में, हर तबके में, समाज जीवन के हर पक्ष में जिस तरह से विकास हो रहा है, आज विकास की नई परिभाषाएं लिखी जा रही है, नए बेंचमार्क, नए आयाम क्रिएट किए जा रहे, पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। एक तरफ सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन आया है, तो दूसरी तरफ देश के 130 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ा है। आज गुलामी के प्रतीक भारत से समाप्त हो रहे हैं, देश के सेना का सामर्थ्य बढ़ रहा है, देश के सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ते हुए आज तेज गति से कुलाचे मारते हुए आगे बढ़ रही है, और इसी गति को और आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बने उसका संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं को कराने के लिए आज माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में आए हैं। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए आदरणीय अमित शाह जी का एक बार फिर इस मारवाड़ की पावन धरा पर, वीर दुर्गादास की इस धरती पर, वीर दुर्गादास जिसने सामान्य सिपाही के घर में रह करके जन्म लेकर के अपने शौर्य, अपने साहस, अपने पुरुषार्थ और अपने क्या के ऊपर काम करते हुए उस दम पर स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए एक नया इतिहास अपने भुजाओं से लिखा था। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस देवतुल्य महान वीर दुर्गादास, जिसे देश में केवल 2 ऐसे लोग हैं, 2 ऐसी शख्सियत हैं, वीर दुर्गादास और वीर सावरकर, जिन्हें जनता ने वीर की उपाधि दी, हम उनको साक्षी मानते हुए संकल्पबद्ध होकर के यहां से जाएं कि हम आने वाले 2023 और 24 के चुनाव में जो परंपरा 2014 और 19 के चुनाव में बनी कि हमने वह जो है कांग्रेस का खाता लोकसभा में नहीं खुलने दिया, उसी परंपरा को दोहराएंगे, और 2023 के विधानसभा चुनाव में हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी का कमल अब की बार 80% से ज्यादा सीटों पर जीते खिले, इस संकल्प के साथ में यहां से जाएंगे, और अपने इन 34 विधानसभाओं में हम कांग्रेस को इस बार खाता नहीं खोलने देंगे, इस संकल्प के साथ में यदि आप सब लोग यहां से प्रयाण करेंगे तो हम निश्चित ही अब की बार एक नया इतिहास बनाने में कामयाब होंगे। मैं इस धरती पर श्रद्धेय अमित शाह जी का एक बार फिर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सब कार्यकर्ताओं को की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा परिवार है, आप सब कार्यकर्ता जिसके नुमाइंदे हैं, जिसके प्रतिनिधि हैं, उन सब कार्यकर्ताओं की तरफ से, मारवाड़ के लोगों की तरफ से श्रद्धेय अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत।